दोस्तों, ये एक हमारे पास एक हायर की LCD आई थी जिसकी बैक लाइट एक्चुअली कुछ देर बाद बंद हो जाती थी। ये अभी हम दिखा रहे हैं, ये देखो बीच में एक हल्का सा ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है आपको, यानी इससे पीछे बाद में प्रोटेक्शन में चली जाती थी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसका फॉल्ट क्या था। ये हमने इसके अभी पहले वोल्ट नापी है, बैक लाइट के जो वोल्ट इन्वर्टर बोर्ड के वोल्टेज थे वो आपको दिखाता हूँ। जो बैक इन्वर्टर जो कि सप्लाई थी वो 24 वोल्ट की सप्लाई थी, वो देखो हम मीटर से भी दिखाते हैं, 24 वोल्ट की सप्लाई थी। और एक कहने का मतलब है, और इसके बैक लाइट डिमर और बैक लाइट ऑन की भी सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर थी, और इसके बावजूद भी इसका इन्वर्टर बोर्ड भी ओके था, फिर भी ये प्रोटेक्शन में चली जाता था। इसके प्रोटेक्शन का एक कारण था कि इसकी जो हमने इसका पैनल खोला, उसके पैनल में इसकी प्रॉब्लम एक्चुअली एक उसकी आपको हम रोड दिखाते हैं, वो जो ट्यूब रोड है वो बंद थी एक्चुअली। वो देखो इसका ट्यूब रोड बंद होने के कारण उसकी ये प्रोटेक्शन में चली जाती थी। ये इसको हमने चेंज कर दिया, ये बिल्कुल सेट ओके हो गया होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। Thank you.